welcome back to the channel for yet another super duper amazing video. So आज guys है नैनो का day 10th I guess. Day 10th तक हम पहुंच चुके हैं already. बताओ इतने सारे दिन निकल चुके हैं नैनो के बिना. रोज ये टिकट को चला रहा हूँ तो मजा तो देखो ultimate आ रहा है, लेकिन एक excitement से हो रही है कि नैनो बस आ जाए फटाफट से, उस पर कुछ mods करने हैं, then उस पर regularly कई सारी चीजें आपके लिए मैंने सोची है. हाँ, ये काम भी आप लोगों को पता ही है कितनी मुश्किल से स्टार्ट हुआ है, एंड थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेस यहाँ तक पहुंची है स्टोरी गाइस. तो आज डे 10th आ गया. तो बेसिकली आज उसने कहा था कि वो सॉरी सीट बेल्ट लगाना भूल गया आज एक्साइटमेंट में, थैंक यू गाड़ी रिवाइंड कराने के लिए. तो आज उसने बोला था कि वो जो कुछ काटे का पेंट काटे का मतलब कुछ ऐसी है, वो मेरे ख्याल से रबिंग शबिंग वाला जो भी कोई सिनेरियो होता है ना सैंड पेपर वाला वो करेगा. तो उसके बाद देखते हैं कि कितना काम आज बना है कितना नहीं बना है. मेन तो वही चीज़ है, एंड अभी वही एज यूजुअल टाइम 4:15 हो रहे हैं. से पहले वैसे मैं सोचा था सुबह चले जाऊं, लेकिन सुबह फिर ये सोचा कि फायदा कुछ होगा और काम तो हुआ नहीं होगा क्योंकि कल शाम को काइंड ऑफ देखी थी गाड़ी, वही वाली चीज है. तो अभी पहुंचते हैं देखते हैं गाड़ी का क्या हाल है. ऑलराइट पीपल, सो मैं पहुंच चुका हूं जिस गली में है नैनो, और आज देखना है कि नैनो किस हाल में है. अरे वाह, अरे वाह, कुछ ना कुछ काम तो हो गया हुआ है इसमें यार, देख रहे हो. अरे वाह, गजब लग रही है भाई साहब, गजब लग रही है. गाड़ी पार्क करके आता हूँ. Finally guys, नैनो का पेंट जॉब चल रहा है, एंड अभी मैं गाड़ी को देख के इतना ज्यादा खुश हूं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता. ऐसी तो गाइस ये नई भी नहीं लग रही थी. वैसे नई को देखे हुए मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, तो हो सकता है मैं उसे भूल गया हूँ, बट यहाँ पे चेंजेस है ना, चेंजेस हमने किए हैं जैसे कि आप पीछे का बम्पर नोटिस कर ही रहे हो. सो अभी कोई इतना ज्यादा पेंट नहीं हुआ है, अभी मेरे से प्राइमिंग का काम हुआ है और शायद फर्स्ट कोट जो बेस कोट होता है वो चल रहा है, एंड अभी से ही ऐसी फिनिश आ रही है कि यार देख के जी खुश हो गया है मेरा. तो ये भाई अभी भी कर रहे हैं पेंट यहाँ पर, एंड क्या जबरदस्त यार फीलिंग अल्टीमेट वाली आ रही है मुझे. आपको साथ मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कैसा आज लग रहा है, एंड यहाँ पे देखो आप कितना बढ़िया फिनिशिंग के साथ भाई मेरे काम कर रहे हैं यहाँ पर. तो देख के ही मज़ा आ गया, देख के गाड़ी को फील आ रही है. आप सबको आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताओ मुझे. एंड ये बैक पैनल मैंने कहा था ना कि उतार के करना, तो उतार के ही कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्रीटी डोप थिंग. एंड ये पीछे का बम्पर, आगे का बम्पर है, पीछे का नहीं आगे का बम्पर है, इसका हाल देखो. ये तो बेचारा खत्म हो चुका है क्योंकि अब नए बम्पर लग चुके हैं, एंड ये पीछे का तो हमने लगाया था. एंड यहाँ पे ना मैंने कहा इस ग्रिल को भी पेंट करने के लिए बोला है, तो ब्लैक के साथ ये सिल्वर ज्यादा अच्छी लग रही है. आप बताओ कैसी लग रही है, सिल्वर मुझे तो मस्त लग रही है. सो अब गाइस गाड़ी प्रिपेयर हो रही है सेकंड कोट के लिए, आई गेस कि सेकंड कोट ही है. सो पहले गाड़ी को प्रिपेयर करा है, एंड उसके बाद पेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. सो अब ये छत से स्टार्ट किया है, एंड इसके बाद पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो होने वाली है. तो आप सब इंजॉय करना, मैं आपको जितना मैक्स टू मैक्स पॉसिबल होगा उतना आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आज. सो ये मूवमेंट देखो गाइस, ये मूवमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पेंट जॉब के लिए, क्योंकि मैं तो करता रहता हूं आप लोगों को पता ही है. एंड ये मूवमेंट अगर सही ना हो तो यू नो ड्रिपिंग का और जो पेंट फैलने का जो प्रॉब्लम होता है वो आ जाता है यहाँ पर. सो यहाँ पर आप नोटिस करो कार का जो शक्ल है अभी भी चेंज हो रही है. आप नोटिस करो नीचे का जो बॉडी है एंड उसके बाद पेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा कलर ना यूं पे चेंज हो रहा है. सो आप लोग एंजॉय करो गाइस, अब मैं आपको एंजॉय करने देता हूँ, मैं अपनी बकवास को बंद कर देता हूँ, एंड आप लोग नैनो के पेंट जॉब को पूरी तरह से एंजॉय करो क्योंकि अभी काफ़ी कुछ इसमें होना है, क्लियर वगैरह भी डलना है. तो पूरी गाड़ी का एक बार देखना, एंड जब ये पेंट जॉब खत्म हो जाएगा ना उसके बाद भी ये मत समझ लेना कि काम खत्म हो गया. खाली पेंट करना और क्लियर करना ही एक पेंट जॉब नहीं होता, उसके बाद ही बहुत कुछ होता है, वो उसके बाद देखेंगे. आज हम पेंट पे फोकस मारते हैं जरा. सो मैं होता हूं थोड़ी देर के लिए चुप, और म्यूजिक को थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं.
अब बारी आ गई है गाइस क्लियर कोट करने की यहाँ पर, एंड क्लियर कोट की प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दी है भाई ने, एंड उसके बाद क्लियर कोट होने वाला है। सो अभी गाइस ये बताओ कि आपको अपनी जो टाटा नैनो मैट सिल्वर एडिशन है ये कैसा लग रहा है ना? बढ़िया एकदम मैट सिल्वर। मेरे एक बारी माइंड में मन आ गया था कि इसे मैट फिनिश ही करवा देते हैं, लेकिन फिर सोचा कि चल मेटालिक वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी ओवर द लॉन्गर पीरियड। सो ये गाइस क्लियर कोट का प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है छत से, एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले छत का प्रोसेस होता है, देन उसके बाद पूरी बॉडी नीचे से हो जाती है कवर्ड अप। तो कुछ इस तरह की शाइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अभी ये काम हुआ नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। खाली क्लियर कोट करने से क्लियर कोट और पेंट का काम खत्म नहीं हो जाता गाइस, इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है। तो ये शाइन का प्रोसीजर कुछ इस तरह से आने वाला है यहाँ पर, एंड ये छत के ऊपर भी काफी सारे मल्टीपल कोट्स यहाँ पे कर दिए हैं। अब बताओ आपको गाड़ी कैसी लग रही है? सिर्फ छत क्लियर कोट के साथ है शाइनी शाइनी, एंड अब बॉडी की बीमारी आ चुकी है। पहले मैं सोच रहा था कि बॉडी छोड़वा देता हूँ, लेकिन नहीं, हमें तो शाइनी शाइनी गाड़ी चाहिए ना। शाइनी शाइनी गाड़ी ना ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लेके आया हूँ, तो उसकी एक अलग ही फीलिंग आने वाली है यहाँ पर। एंड इस बारी गाइस जो अपनी टाटा नैनो का रेस्टोरेशन हो रहा है ना, इस बारी ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये गाड़ी को मैं बनवा रहा हूँ, इसको मैं लेके नहीं आया। तो वो होता है ना बिल्ट नॉट बॉट, वो वाली जो फीलिंग है, जबकि कोई परफॉर्मेंस मोड एंड ऑल दैट नहीं है, लेकिन हाँ बॉडी वर्क तो पूरा करवा ही दिया ना। बस जब जिसको घर लेके जाऊंगा ना गाइस उस दिन तो भाई साहब मुझे लग रहा है कि हो सकता है पूजा ही ना दोबारा करवानी पड़ जाए, क्योंकि गाड़ी तो भाई साहब पूरी ब्रांड न्यू हो ही गई है यहाँ पे। आप देख ही रहे हो भाई ने इतना जबरदस्त यहाँ पे काम करा है कि मजा ही आ गया देख के। एंड अब क्लियर कोट की कोटिंग के बाद जो फिनिशिंग आ रही है ना, कैमरा पे उतना पिक नहीं हो रहा क्योंकि गाइस ये इवनिंग का टाइम हो गया था, उसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं। लेकिन एक जो शाइन आप अभी भी नोटिस कर रहे हो भाई साहब, अल्टीमेट वाली शाइन है। सो आप क्लियर कोट के प्रोसीजर को एंजॉय कर और टोटली मैं फिर से थोड़ी देर के लिए मौन व्रत रख लेता हूँ, एंड म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि आप इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सको, और उसके बाद हम साथ मिलके नैनो को निहारेंगे बेसिकली।
अब पेंट जॉब तो गाइस कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो मैंने याद है बम्पर जब चेंज किया था पीछे का लगाया था, तो एक जगह पे मैंने रेड ऑक्साइड पेंट किया था, तो वहां पे मैंने सोचा कि चलो भाई से एक कोट छोटा सा पेंट का करवा लेता हूँ, जिससे कि थोड़ी सी ना अच्छी लुक आ जाएगी इन केस कभी वापस से बैक पैनल खोलने की नीड पड़ी तो, क्योंकि अगर टेल लाइट का बल्ब खोलना है चेंज करना है तो वो आपको खोलना ही पड़ता, तो वहां पे बस फीलिंग वाली बात है। तो ये देखो गाइस अपनी नैनो, जिसका मेन पेंट एंड क्लियर कोट एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड, बस अब इसे एक या दो दिन सुखाने का प्रोसीजर है एंड उसके बाद गाइस इसकी पूरी की पूरी मशीन से बफिंग होगी, तभी गाइस काम होगा इसका कंप्लीट। वाओ मैन, मजा आ गया नैनो को वापस से इस कंडीशन में देख के, मतलब 10 साल तक ज्यादा हो गया यार, कोई होलसम सिंगल शेड, कोई डेंट नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड बाद में जब अभी क्लियर कोट का काम खत्म हुआ तो वो और भी अच्छा सही लगा था। अभी रबिंग पॉलिश होनी है इसकी, वो ये परसों गाइस, क्योंकि ये बोल रहा है कि कल आराम से सारा दिन सूखने वाला है ये, एंड परसों होएगी रबिंग पूरी इसकी सही तरीके से मशीन वाली। आप बताओ गाइस आपको कैसा लग रहा है, मैं तो इमोशनल भी हो रहा हूँ थोड़ा कि नैनो वापस से अपनी फुल स्ट्रेंथ में जा रही है, एंड इट इज लुकिंग डैम कूल मैन, इट इज सीरियसली लुकिंग डैम कूल। आई एक्चुअली हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस फीलिंग यार, कई बार हो चुका है वैसे ऐसा, अच्छी बात है ना। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो होपफुली थोड़ा डे लाइट में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो शाम का टाइम था, आजकल दिन भी छोटे हो गए हैं, वो चीज़ है। प्लस और क्या है, अब मॉड्स की तैयारी के लिए स्टार्ट है, उसके बाद रोड ट्रिप्स भी प्लान किया है मैंने इसके साथ। वाओ सीरियसली एंजॉइंग मैन, सीरियसली एंजॉइंग, मैं ही सोच रहा हूँ ये काम मैंने पहले भी नहीं करवाया, इतना टाइम क्यों डाला। So on that bombshell guys, let's end this particular video जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार निकला। मैं actually मैं बताऊँ आज की बात बताऊँ, मैं आ नहीं रहा था, मैं seriously नहीं आ रहा था। बस last round पे सवा चार दस के आसपास मैंने सोचा कि यार चल लेते हैं, कोई नहीं देखेंगे नहीं, मतलब मेरा माइंड में ये था कि अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो मैं बता दूंगा, बट छोड़ जैसा कुछ हुआ नहीं। आई एम ग्लैड कि मैं आ गया, एंड ये सारा के सारा पूरा जो पेंटिंग का प्रोसेस था मैंने देखा ऑलमोस्ट, मतलब पहले तो इससे पहले कई कुछ चीज़ें हुई होंगी प्रेपिंग के लिए भी, वो थोड़ा प्राइमिंग भी किया होगा थोड़ा और कहीं कुछ होता है, तो सारी चीज़ें की होंगी, एंड अब रबिंग पॉलिश देखनी है वो उसमें क्या मजा आएगा मुझे नहीं पता कि वो किस टाइम करेंगे, तो मैं एक बार परसों ना सुबह फोन करके पूछ लूंगा कि किस टाइम काम कर रहा हूँ, मैं उसी टाइम आऊँगा। चलो गाइस फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आपको पता है अब नेक्स्ट वीडियो परसों है, तो बीच में कल एक और वीडियो आएगा देखना, वो भी इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए, होपफुली आई विल ट्राई टू मेक दैट हैपन। एंड कोई भी गाइस कमेंट क्वेश्चन क्वेरी रिगार्डिंग दिस जॉब या कुछ भी रहेगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं भले ही रिप्लाई ना कर पाऊँ लेकिन मैं पढ़ ऑलमोस्ट सब कुछ लेता हूँ, तो प्लीज करते रहना कमेंट यार, दिल को काफी तसल्ली मिलती है। चलो मिलते हैं, चलो गाइस टेक केयर, हैव अमेजिंग लाइफ एवरीवन।